चलिए आज लेके आए हैं क्लास 9th के चैप्टर पॉलिनोमियल का फैक्टराइज करने का दूसरा मेथड। वो मेथड है कौन सा मेथड? फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम में क्या होता था, हम कोई भी वैल्यू एक्स का हम लोग पुट करते थे उस पॉलिनोमियल में, और जिस पॉलिनोमियल में जो वैल्यू एक्स का, उस पूरे पॉलिनोमियल का जीरो होता था, ठीक है, तो उसको नेगेटिव में लिख देते थे तो क्या होता था, ठीक है, फैक्टर होता था। जैसे इफ पी ए इज इक्वल टू जीरो देन एक्स माइनस ए इज फैक्टर, याद होगा पहला कंडीशन में। दूसरा कंडीशन क्या था, इफ पी माइनस ए इज इक्वल टू जीरो देन एक्स प्लस ए इज वन ऑफ द फैक्टर, पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल एक्स। ये बात पहले से आपको पता है। आज हम फटाफट देखते हैं क्वेश्चन लेके आए हैं। एक क्वेश्चन है आपके पास, 1x³ - 3x² - 9x - 5, इसको फैक्टराइज करना है। तो हम लोग इसको फैक्टर थ्योरम को बोलते हैं हम लोग कौन सा मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड। ये थोड़ा बड़ा होता है एग्जाम में, जब तक जरूरी ना हो इसका यूज ना करें। अगर कह रहा है करने के लिए एग्जाम में तो मजबूरी है करना है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले देख लो कि क्या एक्स का कोई कॉफिशेंट है कि नहीं, क्यूब का, किसका, क्यूब का। ये स्क्वायर के लिए भी अप्लीकेबल है और क्यूब के लिए भी है। क्यूब में थोड़ा बड़ा होता है इसलिए मैंने बताया, या तो क्यूब में एक फैक्टर निकाल लो, उसको डिवाइड कर लो, तो क्या आएगा आपको, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। जब क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आएगा तो फिर उसको मिडिल स्प्लिट कर दो। अभी इसको बता देते हैं कि करना क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक्स क्यूब का जो कॉफिशेंट है वो, तो यहाँ पे एक्स क्यू का कॉफिशेंट क्या हो गया, 1, और कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, 5। तो हमको ये दोनों चाहिए, ये फर्स्ट वाला और लास्ट वाला, इस दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, तो 1 5 या 5। अब बताओ 5 किससे कटेगा, 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, और किसी नंबर से कटेगा, क्या नहीं कटेगा। तो अब हमको कौन कौन से वैल्यू पुट करना, वैल्यू ढेर सारा हो सकता है। अब यहाँ पुट क्या करना है, एक बार +1, दूसरी बार -1, एक बार +5 और -5। फटाफट उसके जगह पे हमने पुट कर दिया, तो हमने क्या देखा कि +1 डालने से वैल्यू जीरो नहीं आया, लेकिन -1 डालने से वैल्यू क्या आ गया, जीरो आ गया। फिर जब हमने +5 दिया तो देखा वैल्यू जीरो आ गया, लेकिन -5 डाला तो इसका वैल्यू जीरो नहीं आया। तो इसका मतलब क्या हो गया, कौन कौन सा वैल्यू जीरो लाया भाई, तो इसका मतलब हो गया कि हमारा पी +1 का वैल्यू कितना आ गया, जीरो। एक आया पी -5 का वैल्यू क्या आ गया, जीरो। अब आप बोलोगे सर ये तो बड़ी मुश्किल काम हो गया, दो ही फैक्टर निकला, लेकिन क्यूबिक का कितना फैक्टर होना चाहिए, 3 फैक्टर होना चाहिए। घबराने की बात नहीं, हमने पूरी चेक कर ली ना, हम नहीं आ रहा ना, ठीक है, चलो देखते हैं क्या होगा। अब इसका एक फैक्टर क्या होगा, जैसे मैंने बताया इस फैक्टर से आपको क्या निकल जाएगा भाई, कि आप एक्स क्यू -3x² - 9x - 5 का एक फैक्टर आप क्या लिखने जा रहे हो, एक फैक्टर आप लिखने जा रहे हो, चूँकि +1 डालने से आया है, क्या डालने से, +1 डालने से, अरे नहीं -1 डालने से आया है, क्या डालने से आया, -1 डालने से जीरो आया, तो एक फैक्टर क्या हो जाएगा, x+1। मैंने बताया ना माइनस डालने से होगा तो प्लस में, और प्लस डालने से होगा तो माइनस में। तो यहाँ पे +5 डाला तो दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, कौन सा, x-5। अब तो ये दो ही फैक्टर निकला, तीसरा फैक्टर तो आपके पास है ही नहीं, मुश्किल हो जाएगा ना, तीसरा फैक्टर नहीं होगा। तो अब ये एक बार बात कर लो, अब हमने तो +5 - 5 को तो चेक किया, तो +5 - 5 तो हो नहीं सकता है। अब ये 1 वाला भी हमने चेक कर लिया तो वो भी नहीं हो सकता है, -1 वाला केवल हुआ, कौन सा हुआ, -1 वाला, प्लस वाला तो हो नहीं सकता है। तो आप इस बात को याद रखो, अगर कभी कैसा केस आता जब आप पूरा पूरा चेक कर लेते तो क्या करोगे, जो ये तो -5 इस दोनों में चेक कर चुके हैं, ठीक है, इसका मतलब है कि प्लस वाला एक बार और आएगा और ये हो जाएगा x+1 उसका फैक्टर, ठीक है, समझ में आ रही बात। इसी तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो और भी क्वेश्चंस बन जाएंगे। फटाफट एक क्वेश्चन और आपके सामने ला के देते हैं, फटाफट इसको बोर्ड से कॉपी में पूरा पूरा स्क्रीनशॉट ले लो या तो लिखो।
चलिए अब जो आपके लिए क्वेश्चन लाए वो थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें ढेर सारा फैक्टर, इसे पिछले वाले में आपने देखा सिर्फ उसके पास कितने हुए थे, 4 ही फैक्टर आए थे, है ना, लेकिन इसमें ढेर सारा फैक्टर है। फटाफट देख लो, एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। अब 20 तो ढेर सारा नंबर से कटेगा, 20 खुद 20 से कटेगा, तो इसका प्लस 20 भी रख सकते हैं और माइनस 20 भी रख सकते हैं। और यहाँ पे 1 से कटेगा तो प्लस 1 भी रखना होगा, माइनस 1 भी रखना होगा। 2 से कटता है तो प्लस 2 और माइनस 2 भी रखना होगा। 4 से कट रहा है तो प्लस 1 और माइनस प्लस 4 और माइनस 4 भी रखना होगा। अगर 5 से कटता है तो प्लस 5 और माइनस 5 भी रखना होगा। 10 से कटता है तो क्या करना पड़ेगा, प्लस 10 और माइनस 10। अब बोलोगे सर इतना अगर मैं रखने लगा तो बूढ़ा हो जाऊंगा, अरे बूढ़ा होने नहीं दूंगा मैं, क्या करना है भाई आपको, आपको कम से कम एक फैक्टर तो निकाल ही लो भाई, हम लोग 50-50 कर लेते हैं, ठीक है, एक फैक्टर निकाल लो। तो याद रखना सब, चूँकि प्लस में जो क्वेश्चन है ना पूरा किस में है, प्लस में, तो जब कभी भी पूरी क्वेश्चन प्लस में तो आप प्लस का वैल्यू कभी मत रखना, माइनस का रखना। हाँ अगर एक प्लस में और एक माइनस में, तो फिर कोई जवाब नहीं दे सकता कि प्लस रखना है या माइनस रखना है, लेकिन ये पूरी क्वेश्चन किस में प्लस में, तो पहले माइनस रख के हमने देखा तो माइनस वन रखने से क्या आ गया, जीरो। अगर माइनस वन रखने से जीरो आएगा तो पता है कि आपको क्या आ गया है, अभी जो आपने देखा कि भाई हमारा पी माइनस वन का वैल्यू क्या आ गया, जीरो। और आपको पता है अगर माइनस में वैल्यू जीरो आता है इसका मतलब एक फैक्टर क्या हो गया, एक्स प्लस वन। हमने फटाफट एक्स प्लस वन से डिवाइड कर दिया, पूरे पॉलीनोमियल को देख लीजिए, हमने पूरे पॉलीनोमियल को डिवाइड कर दिया तो कोसेंट क्या आ गया, कोसेंट आ गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। तो हमने इसको मिडिल स्प्लिट कर दिया, पहला वाला वीडियो इससे पहले आप लोग देखे होंगे किस तरह से मिडिल स्प्लिट के द्वारा निकालते हैं, तो मिडिल स्प्लिट कर दिया तो एक फैक्टर आ गया x प्लस 10 और एक फैक्टर आ गया x प्लस 2। इसका मतलब क्या हो गया भाई, इसका मतलब ये हो गया कि हमने क्या किया, अगर हम लोग रखते p कितना माइनस 10 तो भी जीरो आता, और अगर p रखते माइनस 2 तब भी जीरो आता, लेकिन हम लोग को इतना रखने का टाइम नहीं था, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, एक फैक्टर निकाला और दो और फैक्टर निकालने के लिए हमने डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करके जो कोशेंट आया क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल उसको मिडिल स्प्लिट कर दिया, काम बन गया ना फटाफट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऐसे ही देखते रहिए, अगर कुछ डाउट हो, अगर लगे कि कहीं समझाने में दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में फ्रिक्वेंटली लिखो, अगर अच्छा लग जाए तो शेयर कर लो, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे बटन दिया हुआ, थैंक यू।